जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल में, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब 7 साल का अलीहान घर के बाहर क्रिकेट खेलते हुए नाले में जा गिरा था। आज उसकी तलाश का जो है वो तकरीबन एक दिन जो है वो गुजर चुका है। उसकी जो टीमें हैं तो वो उसकी तलाश में बिल्कुल मसरूफ है, जिसके लिए अभी तक जो है वो हैवी ऑपरेशन हैवी मशीनरी के जरिए यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। जबकि आज सुबह पाकिस्तान नेवी के गोताखोरों ने भी यहाँ पर आके जो है वो नाले के अंदर गोताखोरी केंद्रित करके बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकामी हो गई। उसके बाद जब सूरज की रोशनी नहीं रही तो रेस्क्यू टीमों की तरफ से ये तमाम ऑपरेशन जो है वो मिल दिया गया है। लेकिन अभी तक यहाँ पर हैवी मशीनरी के जरिए जो नाले की खुदाई है उसका काम जारी है। इसमें जो है वो मुश्किल ये चीज आ रही है कि जो गोताखोर टीम है और जो टेक्निकल टीम यहाँ पर काम कर रही है, उनके पास इलाके का ब्लू प्रिंट अच्छा जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से नाले की डायरेक्शन को पता करने के लिए बहुत दुश्वारी दी जा रही है। और अभी यहाँ पे जो है वो थोड़ी देर पहले पाकिस्तान रेंजर्स के टीम भी पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऑपरेशन को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई थी। उन्हें जो है वो दूर हटा दिया गया है ताकि ऑपरेशन को जो है वो तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। भाई मैं अरसलान हूँ, वो मेरा भतीजा था, अभियान 7 साल का वो बच्चा था। कल दोपहर शाम 4 बजे वो गटर में गिरा और अभी तक नहीं मिला, और कोई सरकारी इदारा कोई आगे हमारी मदद नहीं कर रहा है। हम अपने तहत आपके तहत कर रहे हैं, ओन हाइट्स के जितने रहायशी हैं आपस में मिल बांट के कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। ना मैप है, ना वाटर बोर्ड है, कोई नहीं आगे कर रहा। सुबह 7 बजे नेवी की गाड़ी भी बुलाई, वो 7 बजे पहुँची, 3:30 बजे आके गाड़ियाँ खोदने आई हैं, 3:30। अब आप अंदाज़ा लगाएं, सुबह अब 3:30 के बाद बोल रहे 2 घंटे बाद मगरिब हो गई, अंधेरा हो रहा है, तो हम कहाँ जाएं भाई, किसके पास जाएं। एक तो रोडों के गटर खुले हुए हैं, और गटर छोटे मोटे गटर नहीं, पूरे के पूरे गड्ढे हैं, और इतना सीरियस गटर है कि एक बच्चा गया तो गायब हो गया, तो वो खुले क्यों है भाई। इसमें आज हमारा बच्चा गया, कल किसी और का बच्चा जाएगा, तो कौन एक्शन लेगा, हम किसके पास जाएं। हमें हमारा बच्चा अभी तक नहीं मिला, 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, जिंदा है नहीं है हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जाने। ऑपरेशन के बारे में अपडेट किया जा रहा है आप लोगों को? भाई अपडेट यही किया जा रहा है कि हम खुद ही अपडेट कर रहे हैं, हमें कोई अपडेट नहीं कर रहा। हम खुद लाइन अप कर रहे हैं गाड़ी का लिए, हम खुद भाग दौड़ कर रहे हैं, ना कोई आके इधर जिसकी जिम्मेदारी है कोई नहीं आ रहा, हम आपस में ही मिल बांट के कर रहे हैं। ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है, क्या हुकूमत ने क्या कोशिश की है, क्या कोशिश की है भाई, हमें तो कोई कोशिश नजर नहीं आई। हम खुद आपको कह रहे हैं कि हम खुद कर रहे हैं। पहले दिन जिस दिन हुआ, सियासतदान आए, अपनी अपनी लाइव वीडियो चलाई, 10-15 मिनट के लिए आए। मैं चाचा हूँ, बच्चे का बाप हमसे तो मिले नहीं, अपनी चला के वो निकल गए, वो क्रेन लगी हुई काम कर रही होंगी, उनके साथ वीडियो बना ली कि हम काम कर रहे हैं। भाई आज क्यों नहीं है, जब इतना सोच है, आपकी गलियों में तो गटरें भरी हुई हैं, फुल पैक है, हमारी क्यों खुली हुई है भाई, हम किसके पास जाएं, हमें नहीं समझ आ रहा। 24 घंटे से हमारा 7 साल का बच्चा है, कल उसका रिजल्ट आया, 95% उसकी आई है, और वो कल इस हाल में चला गया, खेलने उतरा था, हमें नहीं पता था ये खेलने जाएंगे, हमेशा के लिए जा रहे हैं। अब हम परेशान हैं, आपसे अपील करते हैं कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएगी, कोई आके हमारे साथ इधर खड़ा हो भाई, हम अकेले खड़े हैं, मतलब कोई अभी। तो ये मशीनरी आप तमाम लोगों ने मंगवाई, आपका ये कहना है कि हुकूमत ने नहीं मंगवाई? हुकूमत से हमने बोलते रहे, कोई जवाब नहीं आ रहा। अपनी अपनी जाहिर सी बात है, अब बंदा अपनी अपनी कोई सोर्सेज लड़ाता है, कोई किसी को फोन करता है, कोई किसी को फोन करता है, वो करते 3:30 बजे तक हमारे पास ट्रेन पहुंची है, बस इसके अलावा कोई हमें अपडेट नहीं आ रही थी कि कहां से आ रही है। बस 9:30 बजे हमें बोला कि 1 घंटे में गाड़ी पहुंचेगी, और 3:30 बजे गाड़ी पहुंची, अब अंदाज़ा लगाने आप कि ये हमारे साथ हो रहा। और उनका कोई बंदा इधर नहीं मौजूद के वाटर बोर्ड वाला के यार ये लाइन यहाँ से आ रही है, इधर मुड़ रही है, कोई मैप, कोई बंदा यहाँ ऐसा मौजूद नहीं है कि हमें बताए। ठीक है, शुक्रिया।